दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का इंट्रो को थोड़ा बड़ा होगा, उसके लिए सॉरी। एंड जल्दी से हमारी वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे एंड इस पे लिखा है उर्बन जंगल फॉन्ट, ठीक है। इसके बाद उर्बन जंगल फॉन्ट सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वाले लिंक आएंगे इस पर हम क्लिक करेंगे। एंड इंटरनेट स्लो चल रहा है, इसके बाद हम थोड़ा जूम करेंगे एंड हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद हम क्या करेंगे, वीपीएन ऑन करेंगे। एंड वीपीएन अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड वीपीएन हमारा कनेक्ट करेंगे। एंड हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद फिर हम कैपकट ओपन करेंगे एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो जंगल की फ़ोटो लेंगे, अगर आपके पास जंगल की फ़ोटो नहीं है तो आप कोई से भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से या फिर कहीं से भी, ठीक है। इसके बाद हम ऐड को हम डिलीट कर देंगे एंड फ़ोटो के लोड को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 10 सेकंड तक रखेंगे इसे, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, इसे बाद में कट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लेयर को हम थोड़ा बड़ा छोटा करेंगे एंड रोटेट पर क्लिक करेंगे एंड 9.16 कर देंगे। इसके बाद हम टिक कर देंगे। इसके बाद हम फोटो वाला लाइट फोटो पे क्लिक करेंगे और फोटो को राउंड करेंगे एंड फोटो को जूम करेंगे। एक वन साइड को इस फोटो को ले जाएंगे हम इस तरह से, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड टैक्स करेंगे एंड टैक्स पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड टैक्स पे क्लिक करेंगे एंड फिर हम जो हमें टैक्स ऐड करना है, हम कोई भी नाम लिखना है हमें, हम लिख लेंगे, ठीक है। मैं रतने लिख देता हूँ, क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद हम इसको लेयर को हम फोटो के लास्ट तक लेयर तक ले जाएंगे। लेयर को ले जाने के बाद इस पर हम डबल टैप करेंगे, फिर हम फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड फॉन्ट पे क्लिक करेंगे एंड फिर प्लस वाले पे क्लिक करेंगे एंड अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे एंड माय फाइल्स पे क्लिक करेंगे एंड जो डाउनलोड फाइल है वो जो हमने डाउनलोड की थी वो यहाँ आ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ से टिक करके एंड डन कर देंगे, ठीक है। एंड जो हमारी ये फाइल है ये आ चुकी है, लेकिन पहले से मेरे पास थी तो एंड आपको बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसे। इसके बाद हम थोड़ा से राउंड करेंगे एंड थोड़ा सा राउंड करने के बाद जूम कर देंगे, ठीक है। वीडियो को सेव कर देंगे एंड दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स कर देना। इसके बाद हम क्या करेंगे, डन कर देंगे एंड डन करने के बाद क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड जो हमने अभी वीडियो बनाई है वीडियो हम दोबारा से लेंगे। ये हमारी दोबारा से वीडियो आ चुकी है एंड लास्ट वाले पे आएंगे एंड ऐड को हम डिलीट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, म्यूजिक ऐड करेंगे, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वैसा आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम मैं दूँ वही आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से म्यूजिक ऐड कर लेना, ठीक है। इसके बाद तो सबसे पहले हम म्यूजिक को थोड़ा सा कट कर देंगे एंड इसलिए फोटो वाले सॉरी वीडियो वीडियो वाले लेयर को हम थोड़ा सा कट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे लेयर कट हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 सेकंड तक हम इसे लाएंगे एंड स्पीड कर देंगे एंड इसके बाद थोड़ा सा और लगा स्पीड कर देंगे, थोड़ा सा और लगा स्पीड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पे इफेक्ट ऐड करेंगे एंड वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड जो ट्रेनिंग इफेक्ट चल रहा है उसी में से हेलो ब्लर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड जो ये हेलो ब्लर है हमारा आ चुका है, इसके बाद हम क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड हेलो ब्लर को लास्ट सॉरी फर्स्ट तक ले जाएंगे एंड इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे जो हमने कट लगाया, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे फोटो जो हमने कट लगाया, ठीक है। इसके बाद एनिमोटी पे क्लिक करेंगे, कॉम्बो एंड कॉम्बो पे क्लिक करने के बाद पिरामिडल फर्स्ट क्लिक करेंगे एंड सेकंड में क्या करेंगे, डिटो लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो लास्ट वाले पे एंड वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड वीडियो इफेक्ट सॉरी वीडियो
वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद क्या करेंगे, जो लास्ट में नीचे जाएंगे ट्रेनिंग इफेक्ट पे क्लिक करना है, ध्यान रहे आपको। एंड ये जो इफेक्ट है बाय द फिरैप, इसको हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे एंड ठीक है, सॉरी थोड़ा ज़्यादा आ गया, इसको यहाँ तक ही लाना था हमें, ठीक है। इसके बाद जो हमारी वीडियो एक बार हम देख लेते हैं कैसी बनी है। दोस्तों क्या है ना, अगर हम वीडियो बनाते हैं ना तो हैंगिंग होने की प्रॉब्लम होती है, तो वीडियो तो चल रही है बट सॉन्ग है वो जम नहीं रहा, तो सॉन्ग थोड़ा सेट होगा, लेकिन एक बार हम आगे पीछे करेंगे तो वीडियो अपना आप सेट चलेगी। देखो हैंग बहुत हो रहा है, वीडियो तो अच्छी बनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वीडियो को सेव कर लेंगे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइबर भी कर देना। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।